एक और जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंच से भाषणों में शिक्षा के प्रति बड़ी बड़ी घोषणा की जाती है, जहां शिक्षकों की उपस्थिति के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया, लेकिन शिक्षक नेटवर्क का बहाना कर नए नए तरीकों से प्रशासन मूर्ख बना रहे हैं। मगर झिनिया ब्लॉक के बरभाल गांव में कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रही है, जहां शिक्षकों का यह रुतबा है कि बिना छुट्टी आवेदन पत्र के बिना ही गायब रहते हैं और वहां उपस्थित टीचरों को ट्रेनिंग भी ऐसी दे रखी है कि कोई भी आए तो उसे मीटिंग, डाक व ऑनलाइन आवेदन की कहानी बताकर टाल देना। जब मीडियाकर्मी द्वारा ग्रामीणों की मौखिक शिकायत पर पड़ताल की गई तो वहां की घटना देखने में आई। बरवाल मिडिल स्कूल में 8 में से 4 शिक्षक गायब थे। वहीं जब उपस्थित शिक्षकों से मीडियाकर्मी से बात की और एप्लीकेशन का पूछा तो उन्होंने एक जो कि रेगुलर है उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कही, जो कि अभी जाँच का विषय है, और 3 शिक्षक जो कि अतिथि है जो कि अनुपस्थित है उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी। जब मीडियाकर्मियों ने BRC महेश दीक्षित से बात की तो उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर बताने की बात की, जो कि खबर लिखे जाने तक भी नहीं बता पाए और BO साहब ने फोन उठाने की भी जहमत नहीं की। खैर, खरगोन जिले के झिनिया ब्लॉक के बरवाल स्कूल में अनुपस्थित शिक्षकों की कोई जांच और कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ लिपापोती देखते हैं? ये बरवाल में है, झिनिया ब्लॉक में आती है। तो यहाँ पे कितने टीचरों की ड्यूटी है टोटल? टोटल 8 टीचर है, जिसमें 6 गेस्ट टीचर है, 2 परमानेंट है, महेश पाटिल और बलिराम चौहान। कहाँ से आते हैं ये लोग? खरगोन से आते हैं सर। वो ऑनलाइन पे डालने का बोल रहे थे शिक्षक, तो वो ऑनलाइन पे डालना, ऑनलाइन का डालने का बोल रहे थे। तो कहाँ से कहाँ तक क्लास चलती है? ये तो एकीकृत शाला हो गई पूरी, 5वीं से 10वीं तक अभी हाई स्कूल हुई, तो इसी साल से हुई, तो 9वीं के है अभी इस साल। एक अर्जुन सोलंकी नेपाल वास के लिए आते हैं सर, वो आज कई विशेष होगा उनका, तो वो अर्जुन तो आए थे, अर्जुन सोलंकी जो आए थे। खरगोन से ब्यूरो चीफ जय गुप्ता की ये रिपोर्ट।